पीछे की डैम्पिंग होने के बाद भाई इसमें देखो अपना टच डिस्प्ले जो, तो भाई DRL वगैरह अपनी इंस्टॉल हो गई है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको दिख रही होगी भाई अपने हॉर्न वगैरह भी देखो चेंज हो रहे हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा ऐसा। देखो इसका एक बार भाई प्रोसेसिंग वगैरह देख लो आप, क्या सीन होने वाला। देखो अभी फिलहाल बोनट उठा हुआ ना, ट्रैक्स की लगाई है, ट्रैक्स की लगाई है अपने। अच्छा अच्छा, और अपना कुछ ऐसा कैमरा होने वाला है, एक बार आप परफॉर्मेंस चेक करके बताओ ये आप। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो सारे के सारे? तो भाई आज हम बैठे हैं गाड़ी के अंदर, दिख रहा होगा आपको खाली गाड़ी जिसमें कुछ नहीं है। पहले मैं दिखा देता हूँ साइड में अपनी डेम्पो वगैरह हो रही है, और दिखाता हूँ एक चीज और, ये दिख रहा है आपको, अब दिखा ये था पहले ऐसा और अब देखो कैसा हो गया। तो ये गाड़ी अपनी होने वाली है भाई XUV 300, जिसमें कि अपना ये मिडिल वेरियंट है जिसमें सनरूफ वगैरह आती है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ ठीक है। और इसमें बहुत सारा काम होने वाला है, जैसे अपना हेडलाइट में हो गया और अंदर की तरफ स्पीकर वगैरह, डैम्पिंग वगैरह, और भी काफ़ी सारा काम है। मैं आपको एक एक करके गिनवाता हूँ क्या क्या सीन होने वाला है। कैमरे वगैरह भी लगे हैं, रेयर कैमरा हो गया अपना और फ्रंट कैमरा हो गया, सारा कुछ काम हो रखा। तो करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट बिगर किसी देरी के, लेट्स गो। भाई आपको दिख रहा होगा फ्रंट से अपनी गाड़ी पूरी खुली पड़ी है और अपनी हेडलाइट वगैरह हट चुकी है। इसमें भी भाई LED वगैरह डलने वाली है, जैसे प्रॉपर टॉप मॉडल में आती है ना, तो वेरिएंट में आपने देखा होगा प्रॉपर नीचे तक जो आती है वो DRL टाइप की, वो सब इसमें इंस्टॉल होने वाली है। और आप बोनट देख के अंदाज़ा लगा सकते हो भाई, अभी नई आई है गाड़ी अपनी और आज ही आई है और आज ही अपना सारा काम इसमें होने वाला है। और ये भाई निशानी है अपने मिडिल मॉडल की जो कि आपको दिख रहा होगा, और मिडिल से इसे करने वाले हम कन्वर्ट टॉप में। तो फिलहाल भाई काम चल रहा है, बम्पर वगैरह खुल चुका है, पीछे की डैम्पिंग हो चुकी है जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। और पीछे की डैम्पिंग होने के बाद भाई इसमें देखो अपना टच डिस्प्ले जो ऑटो एप्पल कार प्ले वगैरह जो आता है वो अपना इंस्टॉल हो चुका है, और कौन सी कंपनी का है वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। और बाकी भाई अभी पैनल वगैरह सब देखो खुले पड़े हैं, सीट्स वगैरह गई हैं, सीट्स अपना जो कस्टमर है उसके भाई उससे बनाई जाएंगी, जो उन्हें पसंद आएंगी उसे भाई कर देंगे अपना सेलेक्ट, और बाकी उन्होंने सेलेक्ट शायद कर भी लिए। और मैं अंकल जी की वो बुक भी दिखाऊंगा कौन सी बुक है। बाकी भाई फुट रेस्ट वगैरह अपने लग चुके हैं जैसे कि आपको दिख रहे होंगे, और पीछे की तरफ मैं आपको दिखा देता हूँ, पीछे की तरफ देखो अभी सिंपल है, बाकी अपना कैमरा वगैरह अभी इंस्टॉल हो जाएगा, अभी खुला पड़ा है वो देखो ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं अंकल जी के पास। अंकल जी बहुत बढ़िया, आप सुनाइए। बस अंकल जी बढ़िया। तो अंकल जी जैसे अपने पास आज XUV 300 आई हुई है और कस्टमर अपने ये बैठे, बाकी गाड़ी अपनी ये खड़ी, जैसे कि अंकल जी ये मिडिल मॉडल है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें अपना टॉप वाला काम होने वाला सारा टॉप हो गया जी, मतलब टॉप मॉडल ही बन गए, टॉप मॉडल ही बन गए, क्योंकि सनरूफ तो कंपनी देती है और बाकी की कसर अंकल जी ने पूरी कर दी ठीक है। बाकी मैं एक चीज आपको बताने वाला था, जो मैं आप पूछते हो ना कि सीट कवर वगैरह कहाँ से क्या, तो भाई ये है वो जादुई किताब, और इसमें अपनी दिखती है भाई सारे जितने भी तरीके के सीट कवर जिस कपड़े में, बढ़िया हैवी क्वालिटी के अंदर है। अच्छा अच्छा, पूरा लेदराइट है, पूरा कपड़ा लेमिनेशन किया हुआ जी, इसमें से जो भी आपको पसंद आता है उसके हिसाब से जो है भाई जो कवर बन जाते हैं, डिजाइन जो सा ये कहेंगे वो रेडी कर देंगे बाय हैंड, बाय हैंड, हैंड टू हैंड काम होता है, और बाकी आपको जिस तरीके का चाहिए उस तरीके का आपको मिल जाएगा, लोकल काम आपको मिलेगा नहीं सबसे पहली चीज। फिर आप शॉप में देख सकते हो हर तरीके की चीज अपनी अवेलेबल होने वाली है, JBL के स्पीकर से लेके एम्प से लेके एम्पलीफायर से लेके सब चीजें A to Z। तो अंकल जी मतलब कि कॉस्टिंग वगैरह का क्या सीन मतलब इस बार होने वाला है? क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो कैसे क्वालिटी लगाते हैं, कैसे बाकी लगाते हैं उस हिसाब से रेट लगते जी जी जी, बाकी अपना 19-20 हो जाएगा जो भी होगा माइनर तरीके से। और बाकी अंकल जी इस गाड़ी में क्या क्या काम होने वाला है? इसमें सबसे पहले इसके सीट कवर लग रहे हैं ठीक है, टॉप क्वालिटी के अंदर लगा रहे हैं सीट कवर बकेट फुली जी जी। उसके बाद इसमें टॉप मॉडल की जो फोक लाइट आती है जी वो लग रही है जी, हेडलाइट में LED लग रही है जी, फोक लाइट में भी LED लग रही है। अच्छा, उसके अलावा इसमें 70 मैट लगे हैं जी, और फुट रेस्ट लग रहे हैं साइड के। हाँ फुट रेस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, वो आपको दिख रहे होंगे, कंपनी नहीं देती है ना अंकल जी? इसमें कंपनी नहीं देती जी जी जी। और रियर गार्ड लग रहा है इसके अंदर जी, रियर गार्ड भी हो गया, स्टीयरिंग कवर लगाया है रैपिंग वाला। अच्छा रैपिंग वाला जी, इसमें आपको जजमेंट भी नहीं होगा, स्टीयरिंग कवर लगा हुआ। तो अंकल जी इसकी भी कुछ गारंटी वारंटी वगैरह? हाँ जी, इसकी सबकी गारंटी है, सीट कवर की 2 साल की गारंटी है जी, कपड़े निकल गई फ्री ऑफ कॉस्ट पीस। अच्छा मतलब रिप्लेस करवा के जाओ। हेडलाइट और जो फोक लाइट में हमारी LED लग रही है जी, इसकी 1 साल की गारंटी है, एक साल में अगर रिप्लेसमेंट। अच्छा अच्छा, अगर मतलब खराब होती है तो आप मतलब फ्री में जो है रिप्लेस करके दोगे, गारंटी है जी जी जी। बाकी अपना भाई एप्पल ऑटो कार प्ले लग चुका है जी जी, पीछे बेस ट्यूब लग रही है जी,
और रियर में कैमरा होने वाला, अपना फ्रंट में कैमरा होने वाला है विद रिकॉर्डिंग। जी जी विद रिकॉर्डिंग। तो अंकल जी मतलब रिकॉर्डिंग का क्या सीन है? ये रिकॉर्डिंग है, जैसे आप गाड़ी चला रहे हो जी, तो आपने अपने कैमरा ऑन किया हुआ खुदा ना खासा। जी जी, सिक्योरिटी पर्पस के तौर पे, सिक्योरिटी पर्पस के लिए अगर टच होता है वो नहीं मानता। जी जी जी, रिकॉर्डिंग निकाल के दिखा दो, ये आपकी गलती है। जी जी जी, इससे ये बेनिफिट है। तो बाकी भाई सारी बात मैं आपको बता चुका हूँ, बाकी जैसे जैसे डोर वाइजर वगैरह भी है, डैम्पिंग वगैरह भी है, ऐसे मतलब कई आइटम है। जी जी जी, तो बाकी मैं धीरे धीरे आपको सारा काम गिनवाता हूँ। जैसे कि आपको दिख रहा होगा फ्रंट में अभी काम चल रहा है अपना, और जैसे जैसे कंप्लीट होता है आपको सारा काम मैं दिखाता हूँ। तो भाई DRL वगैरह अपनी इंस्टॉल हो गई है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको दिख रही होगी ये अपनी DRL प्रॉपर अपनी कंपनी वाली, जो कि मतलब की कंपनी देती है। और बाकी अपना एक बार मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। तो भाई ये अपना कुछ ऐसा होने वाला अपना स्टेयरिंग कवर, देखो बिल्कुल प्रॉपर अपना प्रॉपर फिटिंग वाला जिसे कहते हैं, आपको देखो बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि मतलब ये कवर ही है। और बाकी इतना काम अभी हो रहा है, और बाकी अपने सीट्स वगैरह आने वाले हैं, फिर आपको पता पड़ेगी। सीट्स वगैरह अपनी आने वाली हैं और अपनी बेस ट्यूब वगैरह इंस्टॉल हो रही है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ भाई, ये होने वाली है अपनी हाइपरसोनिक की, और ये अपनी होने वाली है भाई 1500 वाट की, आपको दिख रही होगी। और एक चीज़ और, इसमें इनबिल्ट अपना जो है मतलब कि वो आता है एम्प वगैरह, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। और एक बार मैं दिखा देता हूँ, ये अपना कुछ हाइपरसोनिक। और अभी भाई मतलब कि इसकी चल रहा है अभी मामला, अभी जब इंस्टॉल हो जाएगा प्रॉपर तरीके से उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी साउंड वगैरह भी एक बार मैं आपको एक बार सुना दूंगा इसमें, है ना। और पीछे की तरफ अपना रेयर में आपको दिख रहा होगा भाई, गार्ड वगैरह जो है अपना आ चुका है बम्पर। और बाकी अभी काम वगैरह जब हो जाएगा उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ और क्या क्या सीन होने वाला गाड़ी में। फिर भाई अपने हेडलाइट वगैरह और DRL वगैरह हो चुके हैं भाई, ओके। और आपको दिख रहा होगा इसमें भाई अपनी LED वगैरह डल चुकी है, मैं दिखा देता हूँ एक बार। और बाकी अपने DRL भी भाई प्रॉपर वर्क कर रही है, जो कि जेन्युइन जैसे टॉप वेरिएंट में आती है ना सेम वैसी है। एक बार मैं आपको साइड से दिखा देता हूँ ये रही। और नीचे की तरफ अपने फॉग लैम्प, और बाकी मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको ये रही अपनी LED, जो कि मिशलिन की होने वाली है 130 वॉट की। और बाकी यार एक चीज़ और है इसमें इंटरेस्टिंग सी, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें दो बल्ब होते हैं ना, अपने दोनों के दोनों चेंज करवा दिए हैं, दोनों मतलब कि वाइट LED में जो है कन्वर्ट कर दिए हैं। और बाकी ये इस तरफ से भाई ये इंडिकेटर के साथ भी मतलब कि काम करेगा, जैसे कि टॉप वेरिएंट में करता है। और बाकी एक बार चलते हैं पीछे की तरफ, तो पीछे से मैं आपको दिखाता हूँ। पीछे की तरफ भाई अपना लग चुका है स्पॉइलर, जैसे कि आपको दिख रहा होगा बिल्कुल ब्लैक, प्रॉपर ब्लैक है। और आपको थोड़ा अंधेरे में थोड़ा सा 19-20 दिख रहा होगा, बट प्रॉपर ब्लैक है। और गाड़ी के कलर के साथ भी काफ़ी ज़्यादा मैच हो रहा है, उसकी रूफ के साथ भी मैच हो रहा है। और बाकी भाई पीछे की तरफ अपनी ट्रे वगैरह भी देखो लग चुकी है ये रही। और अपना भाई ये मैंने आपको बताई दिया था, ये भी अपना हो चुका है। और उसके साथ साथ अपने भाई डोर वाइजर वगैरह अपने सब कुछ ओके हो चुका है काम। और एक बार मैं आपको परफॉर्मेंस वगैरह दिखा दूंगा, बैक गियर में अपना डाल के मैं आपको दिखा दूंगा। बाकी अभी सीट्स वगैरह जो है इंस्टॉल हो रही है, इसमें पीछे वाली सीट्स अपने आने वाली है। और बाकी जैसे जैसे काम होता है मैं आपको दिखाता हूँ भाई। अपने हॉर्न वगैरह भी देखो चेंज हो रहे हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। और गुरुजी कौन सी कंपनी के हॉर्न है अपने? ये भैया अपना सोनी लक्स के हॉर्न है बड़े भैया। अच्छा अच्छा, तो इसकी गारंटी, एक साल गारंटी है? हाँ, रिप्लेसमेंट एक साल गारंटी है भैया। अच्छा अच्छा, और मतलब कि जैसे अपनी हाई बीम लो बीम का जो बल्ब है वो भी मतलब कि इसमें LED वगैरह जैसे डाली हमने मिचलिन की 130 वॉट की, तो मतलब कि यही काम करेगी हाई बीम और लो बीम में एक ही? इसमें ये है कि आपका भैया एक ही बल्ब लगा है, इसमें हाई लो एक ही वॉट करेगा आपका। अच्छा अच्छा अच्छा, डीजल लगाई है कंपनी फिटेड, और नीचे फॉग लैंप हो गए अपने, फॉग लैंप लगाई है जी, ग्लॉसी पेंट के अंदर, उसमें भी LED डाली है, इसमें भी LED डाली है। बाकी एक बार मैं, अच्छा इसमें 90 वॉट है। बाकी एक बार मैं इसकी परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ, देखो भाई आपको दिख रही होगी। बाकी हाई बीम भाई एक बार करके दिखाओ, इसकी हाई और लो करके दिखाओ, तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ देखो। तो भाई ऐसी कुछ अपनी हाई लो होने वाली है। बाकी भाई प्रॉपर आगे से अपनी पूरी चेंज हो चुकी है, बाकी एक बार मैं अंदर से दिखाता हूँ। ऐसा देखो इसका एक बार भाई प्रोसेसिंग वगैरह देख लो आप, क्या सीन होने वाला है। देखो अभी फिलहाल बोनट उठा हुआ ना ऊपर, तो इस वजह से भाई ये अभी दिखा रहा है। यहाँ पे अपना इंस्टॉल हुआ अपना डैश कैम जो आपको पता होगा, और बैक कैमरा एक बार मैं दिखाता हूँ आपको। अच्छा अभी फिट नहीं हुआ, अभी फिट नहीं हुआ, फिटिंग करना इसको ना अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, स्क्रू लगी है इसके अंदर। अच्छा अच्छा, अभी स्क्रू वगैरह लगे नहीं है? हाँ जी अभी नहीं लगे। अच्छा भैया इसकी मतलब की कोई गारंटी वारंटी होती है कैमरे वगैरह की? एक साल गारंटी होती है भैया, रिप्लेसमेंट गारंटी है। अच्छा अच्छा, रिप्लेस करा लो फुल। अच्छा अच्छा अच्छा, HD कैमरे होते हैं, नाइट विजन कैमरे होते हैं, नाइट विजन मतलब की रात में भी कोई दिक्कत आने वाली है नहीं इसमें। ये कर सकते हो आपकी कल को
आप जा रहे रोड पे तो आप रनिंग गाड़ी में कैमरा दे सकते हो फ्रंट में बैक में, बट रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। अच्छा अच्छा, रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं ताकि थोड़ी सेफ्टी फीचर्स के तरीके से है ना, एक तरीके से उस तरीके से यूज कर सकते हैं। बाकी आप सबको पता ही होगा डैश कैम का क्या मतलब होता है, और बाकी इसमें ज्यादा छेड़छाड़ करवाने की जरूरत पड़ी नहीं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा सनरूफ वगैरह इसमें है ही, अपनी लाइट यहाँ भी मिल जाती है, पीछे भी मिल जाती है, बाकी भाई अपनी ऑटोमेटिक है ही, पीछे की तरफ अपनी ट्रे वगैरह और मैंने आपको दिखाई दिया था भैया आने वाली अपनी बेस ट्यूब वगैरह। तो बाकी भाई मतलब उसकी परफॉर्मेंस वगैरह कैसी है बेस ट्यूब की, मतलब कि इसमें एम्प वगैरह नहीं लगता क्या? ये इसमें इनबिल्ट एम्प है भैया। अच्छा इनबिल्ट आता है इसी में ही, मतलब कि बेस ट्यूब के अंदर ही। अच्छा अच्छा, तो ये बात है। तो बाकी भाई आप देख लो, बाकी परफॉर्मेंस वगैरह एक बार आप चेक कर लो, ये देखो बिल्कुल स्मूथ है, ये देखो। तो ये भी भैया अपनी मिचलिन की होगी मेरे हिसाब से, ये डी ट्रैक्स की लगाई है। अच्छा डी ट्रैक्स की लगाई है, डी ट्रैक्स की लगाई है अपने। अच्छा अच्छा, और परफॉर्मेंस वगैरह बाकी इसमें मतलब क्या, मतलब जीबी का क्या क्या हिसाब होता है? 4 GB है, 4 GB रैम है भैया। अच्छा 4 GB रैम है, 2 GB होते हैं, 1 GB होते हैं, बट ये 4 GB है। 4 GB अच्छा, 4/32 है अपनी, प्रॉपर 4/32 है। बाकी T5 प्रोसेसर है। अच्छा अच्छा, T5 प्रोसेसर। बाकी भाई अपना आपको पता ही है कैसा क्या सीन होता है। बाकी एक बार जब अपने कैमरे इंस्टॉल हो जाएंगे उसके बाद मैं दिखाऊंगा, और एक बार आपको म्यूजिक भी सुनवा दूंगा, है ना। तो चलो अब चलते हैं जरा पीछे की तरफ अपना, अभी सीट वगैरह आ रहे हैं, मैं सीट जब इंस्टॉल हो जाएगी जब दिखाता हूँ वगैरह। भाई अपने लग चुके हैं, एक बार बजा के देखते हैं। तो भाई साउंड वगैरह आप सुनने होगे इसकी। तो फाइनली भाई अपना प्रॉपर काम जो है हो चुका है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा अपने 70 mats वगैरह जो आ चुके हैं, आपको दिख रहा हो थोड़ा बहुत 19-20। बाकी पीछे की तरफ देख के आपको अंदाजा लग जाएगा। बाकी अपने सीट कवर वगैरह हो चुके हैं, और ऊपर की तरफ आपको दिख रही होगी भाई रूफ लाइट वगैरह अपनी प्रॉपर हो चुके हैं इंस्टॉल। उसके साथ साथ आपको कैमरा वगैरह अभी दिखा देता हूं मैं। तो ये अपना कुछ ऐसा कैमरा होने वाला है, एक बार आप परफॉर्मेंस चेक करके बताओ। ये अपना रेयर वाला है, और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं जरा बैक कैमरा अपना, जो कि फ्रंट पे है, जो आपको दिख रहा होगा। देख लो एक बार परफॉर्मेंस वगैरह देख लो। बाकी इसे भाई अपने आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, और इसमें रिकॉर्डिंग वगैरह भी होगी, आप अपनी पेन ड्राइव वगैरह लगा सकते हो। बाकी भाई सारा काम अपना हो चुका है, बाकी अब बात करते हैं कि क्या मतलब कि कस्टमर के मतलब कि रिव्यू वगैरह की तरफ चलते हैं एक बार, है ना। ये अपने कस्टमर, तो सबसे पहले भैया से बात करते हैं। भैया कैसे हो? बहुत बढ़िया। भैया आपका नाम क्या है? अरोरा, अनिल अरोरा। अच्छा अनिल अरोरा। तो भैया की मतलब मेनली भैया गाड़ी है XUV 300 अभी भैया ने परचेज करी है, और ये मिडिल वेरिएंट था, मैंने आपको सब चीज बता दी है। तो भैया काम वैसे कैसा लगा आपको? काम बहुत बढ़िया लगा यार, फर्स्ट क्लास, मजा आ गया, दिल खुश हो गया। अच्छा, और बाकी कॉस्टिंग वगैरह का क्या सीन था? कॉस्टिंग तो अंकल इतने बढ़िया है, थोड़ा ऊपर नीचे करते भी है तो भी हम कम करवा देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, आपने भी कम करा ही लिया? कम करवा लिया हमने भी। अच्छा अच्छा, कम करवा लिया, उनको भी हमें भी खुशी मिल गई, उनको भी मिल गई। हाँ ये तो है। बाकी भैया डैम्पिंग वगैरह में आपको कैसा लगा मामला? बहुत अच्छा, बहुत है ना, खुश दिल खुश होता है ना, जो वो होके जा रहे हैं। अच्छा, थोड़ी सी मन में कोई खिचाट विचाट है, वैसा कुछ नहीं है। गारंटी वारंटी भी दी होगी अंकल जी ने आपको? पूरी गारंटी दी है, हमें तो ऐसा अंकल से प्रेम हो गया जी, कि उनका जो प्यार है ना वो देख के हमारा दिल खुश हो गया। व्यवहार काफी अच्छा है, जो भी जो उनका है प्यार वो देख के दिल खुश हुआ है। अच्छा, जब मर्जी आ जाओ, कोई भी कमी पेशी लगे जी जी, फ्री सेवा हमारे लिए बोल दिया उन्होंने वैसे तो। चलो तो भाई बाकी आपको आइडिया लग गया होगा, तो भाई का भी भाई 19-20 कर दिया, आप आओगे आपके लिए भी 19-20 लग जाएगा। बाकी एड्रेस वगैरह आपको साइड में दिख जाएगा, शॉप अपनी एरी, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी करते हैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई अपना बाय बाय।